कुछ फिल्में होती है जो अक्सर अपना काम एकदम चुपचाप कर जाती है। जितना क्रेडिट इनको मिलना चाहिए वो सिर्फ सपना बन के रह जाता है। ब्रह्मास्त्र इसको लेकर पब्लिक काफ़ी बढ़ गई थी। किसी को फिल्म पसंद आई तो किसी ने कार्टून छोटा भीम या फिर शिवकामी बताकर मजाक उड़ा दिया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ यह इस फिल्म की वजह से हमारे इंडियन सिनेमा में पहली बार 3 लेटर्स का छोटा सा शब्द VFX इसके बारे में बात हुई। ब्रह्मास्त्र से एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुई, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि अब हम भी बॉलीवुड से टक्कर लेंगे। एक देसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज जितना डायरेक्ट कनेक्शन हमारी माइथोलॉजी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये फिल्म जितनी एक साइट है उतनी ही जरूरी भी है। भगवान ने सुन ली हम सबकी, क्योंकि खुद डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने एक बड़ा बम फोड़ा है जिसके धमाके से पूरा सिनेमा फट जाएगा। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ बाहर आई थी कि ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर थे करण जौहर, वो इस फिल्म से अलग हो गए हैं किसी सीक्रेट रीजन की वजह से। तब से हर कोई कन्फ्यूजन हो रहा था कि वह माइक्रो एस्ट्रोलॉजी अनाउंस किया गया था, लेकिन अब उनका सेकेंड थर्ड पार्ट आएगा भी या नहीं भैया, गुड न्यूज़ ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद डायरेक्टर साहब ने कर दी है। ब्रह्मास्त्र रुका और साथ ही सरप्राइज की बारिश भी हुई है। सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र 2 का टाइटल देव रखा गया है, ये चीज़ नोट कर लो, जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है अपने पार्ट 1 के विलन के साथ। छोटी सी झलक दिखाई गई थी फर्स्ट पार्ट में, लेकिन सिर्फ इनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। तो सोचो जब ये बंदा दिखेगा तब क्या होगा। बस बॉस यही तो सब कुछ बड़ा सरप्राइज है। देव का फर्स्ट लुक हमारे सामने है, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एकदम हटके का ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया गया है, जिसको एक्चुअली बाद में फिल्म की शक्ल दी जाएगी। मतलब बयान है कि दिमाग में झांकने का मौका मिला है आपको, जहाँ पे पूरा ब्रह्मास्त्र से यूनिवर्स पूरा ब्रह्मा से यूनिवर्स तैयार किया जा रहा है। गुरुदेव का कॉन्सेप्ट कार देखकर समझ आ रहा है कि क्यों इस बंदे को इतना हाई किया गया था। पार्ट 1 के अंडर लिटरली ये देव कोई नहीं, सीधा अपने महादेव है, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाथ में है। जो दुश्मन को फाड़ के रख देगा वैसे ही देव है कौन, इस बात पर ही काफ़ी सस्पेंस चल रहा है। इस सवाल पर पूरे अस्त्र वर्ष का फ्यूचर डिपेंड करता है। रॉकिंग स्टार यश का नाम एकदम से ऊपर माना जा रहा था एक टाइम पे, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। फिर रणवीर सिंह का नाम भी लिया गया। कुछ लोग तो 100% श्योर है कि फर्स्ट पार्ट में ये चेहरा है रणवीर का ही है। एक तीसरा नाम जो मेरा सबसे फेवरेट है इस लिस्ट में, वो है ऋतिक रोशन। अगर ये बंदा आज महादेवा गया तो समझो रिकॉर्ड की लाइन लग जाएगी। चलो दिल्ली भी दूर है, उस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट में एक चीज़ नोटिस किया आपने, थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो जलस्तर के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जिनका छोटा सा दिया गया था के अंदर दीपिका का कैरेक्टर अपने वाले शिवा की माँ का था, और अब पार्ट 2 में ये देव की बेटर हाफ वाले रोल में नजर आएगी। बट इंटरेस्टिंगली ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। याद है ना पार्ट 1 की एडिटिंग देवरस, इस जलस्तर, ये दोनों आपस में एक टकरा गए थे किसी सीक्रेट रीजन की वजह से। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये है तीसरा वाला कंसेप्ट कार, जिसमें आप देख सकते हैं शिवा के सामने खुद देवा खड़े होते हैं। ये वाला फेस ऑफ लिटरली थिएटर्स को स्टेडियम में बदल सकता है। रणबीर वर्सेस यश, रणबीर वर्सेस रणबीर, या रणबीर वर्सेस ऋतिक रोशन, 3 उसमें से कोई भी चलेगा। मेरे को तो वैसे एक आर्ट और है इस छोटे से क्लिप में, जो किसी मास्टर कैरेक्टर की तरफ इशारा करती है। अपने देवगर पावरफुल है तो अपने दुश्मन भी डेंजरस हो गए। ये पक्का कोई असुर का राक्षस वाला कैरेक्टर होगा जो डायरेक्टली उठाया गया होगा शिव पुराण से। यही चीज़ बेस्ट हैबरमास की माइथोलॉजी हिस्ट्री कनेक्शन। बॉस अभी तो सोचो सिर्फ हम 1% देख पा रहे हैं जो आयान के दिमाग में चल रहा है। जब ये चीज़ सिनेमा की शक्ल लेगी तब होगा असली पागलपन। लिटरली ब्रह्मास्त्र 2 एक ऐसा खजाना साबित हो सकती है अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिससे
कलेक्शन में कितने जीरो लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ब्रह्मास्त्र की यूनिवर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर उन पर स्क्रीन ऑफ अलग अलग पार्ट्स बनाए जाए तो आप सपोर्ट करोगे हाँ कि ना? और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि देव किसको बनाना चाहिए, यश, तन्वीर, ऋतिक या फिर कोई चौथा नाम है आपके पास, बोलो बोलो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या ना हो, कुछ शिकायत करनी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वरना थोड़ा इंतज़ार कर लेना। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।